हेलो दोस्तों, इंडस्ट्री में आजकल VFD का जो कॉमन यूज़ है वो है पावर सेविंग अपार्ट फ्रॉम स्पीड और टॉर्क कंट्रोल। इसका कारण है कि मोटर को जनरली एक फिक्स स्पीड के लिए डिज़ाइन करना। ऐसा मोटर मिलना बहुत ही मुश्किल है जो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से करेक्ट स्पीड पर चले। इसलिए डिज़ाइनर को मोटर को 20-20% हायर साइड में सेलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए सिस्टम में गियर बॉक्स पुली लगाए जाते हैं ताकि एक रिक्वायर्ड स्पीड मिल सके। पर एक प्रोसेस इंडस्ट्री में लोड रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। इससे होता यह है कि कम या नॉर्मल लोड पर पावर वेस्ट होती है। अब इस वेस्टेज पावर को रिकवरी की जाती है एक VFD इंस्टॉल करने से, ताकि लोड के हिसाब से एक रिक्वायर्ड स्पीड पर मोटर को चलाकर पावर को रेगुलेट किया जा सके और पावर सेविंग की जा सके। अब ऐसा नहीं है कि हर तरह के इक्विपमेंट या लोड पर VFD इंस्टॉल करके पावर सेवर की जा सकती है। इसके लिए लोड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, टॉर्क स्पीड के ऊपर सेविंग को जस्टिफाई करके देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह की लोड एप्लीकेशंस होती है और कहाँ ज़्यादा संभावना होती है पावर सेविंग की। कॉन्स्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में स्टार्टिंग टॉर्क लगभग मोटर रेटेड टॉर्क के बराबर होता है और फुल स्पीड पर हार्डली टॉर्क में कोई चेंज आता है। इसमें पावर स्पीड के प्रोपोर्शन में ही घटती और बढ़ती है। इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रेसिप्रोकेटिंग पंप कंप्रेसर आते हैं और ट्रैक्शन ड्राइव्स, कन्वेयर्स, फीडर्स, एक्सक्यूटर्स हो गए। ये वो इक्विपमेंट है जिसमें इक्विपमेंट में इनर्शिया के कारण टॉर्क रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। कॉन्स्टेंट टॉर्क लोड्स में टॉर्क जो है स्पीड का फंक्शन नहीं होता, मतलब स्पीड चेंज होने पर भी टॉर्क रिक्वायरमेंट सेम रहता है, पावर स्पीड के साथ स्लाइटली चेंज होती है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्पीड जीरो से फुल तक जाने में पावर हार्डली, मतलब बहुत ही कम चेंज होती है। इसमें पावर सेविंग की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ VFD प्रोसेस कंट्रोल के लिए ही जनरली यूज़ किया जाता है। सेकेंड है कॉन्स्टेंट पावर लोड। इसमें लो स्पीड पर हाई टॉर्क चाहिए होता है और हाई स्पीड पर लो टॉर्क। इसका मतलब है किसी भी स्पीड पर कांस्टेंट पावर बनी रहती है, जैसे ग्राइंडर्स हो गए, वाइंडर्स मशीन, लेथ मशीन। यहाँ स्पीड कम ज़्यादा करने से पावर सेविंग की गुंजाइश भी नया के बराबर ही होती है। थर्ड आता है वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन। इसमें लो स्पीड पर या स्टार्टिंग में काफ़ी कम टॉर्क चाहिए होता है और हाई स्पीड यानी फुल स्पीड पर हाई टॉर्क चाहिए होता है। रिक्वायर्ड टॉर्क स्पीड के स्क्वायर के हिसाब से वेरी होता है और पावर जो है स्पीड के क्यूब के हिसाब से वेरी होती है। इस कैटेगरी में सेंट्रीफ्यूगल और एक्सल पंप, फैंस, ब्लोअर्स और कई मिक्सर और एजिटेटर आते हैं। इन इक्विपमेंट में जैसे ही स्पीड कम की जाती है तो टॉर्क भी स्क्वायर ऑफ स्पीड के हिसाब से कम हो जाता है और पावर भी स्पीड के क्यूब के हिसाब से कम हो जाती है। मतलब अगर इन लोड्स में 20% की स्पीड कम की जाए तो पावर 50% तक कम हो सकती है। तो यहाँ पावर सेविंग की बहुत संभावना है। ये सेंट्रीफ्यूगल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एयर फ्लो हो गया, लिक्विड फ्लो हो गया। इन इक्विपमेंट में वेरिएबल टॉर्क की जरूरत पड़ती है, मतलब स्टार्टिंग में कम और रेटेड स्पीड पर फुल टॉर्क चाहिए होता है, जैसे अपन ने डिस्कस किया। इन सेंट्रीफ्यूगल इक्विपमेंट को प्रोसेस में जब रेटेड स्पीड पर चलाया जाता है तो फुल फ्लो ऑफर करते हैं ये लोग, जो कि रिक्वायर्ड स्पीड से ज़्यादा होता है। तो इनको डैम्पर या कंट्रोल वाल्व से रेगुलेट किया जाता है। इस कारण जो एक्सिस फ्लो एनर्जी है वो डैम्पर या कंट्रोल वाल्व के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो बेटर है इन डैम्पर्स और कंट्रोल वाल को सर्किट से हटाया जाए और फ्लो को डायरेक्ट फैन या पंप या ब्लोअर की स्पीड रेगुलर करके किया जाए, तो एक कंसिडरेबल पावर की बचत की जा सकती है जो प्रेशर ड्रॉप के रूप में अपनी वेस्ट हो रही थी। अब इसके लिए VFD को वेरिएबल टॉर्क देने के लिए प्रोग्राम कैसे किया जाए। अब क्योंकि मोटर का टॉर्क वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें VFD से वेरिएबल टॉर्क लेने के लिए इस V और F के रेशियो को भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए VFD में V5 कंट्रोल सेलेक्ट किया जाता है और इसमें एक VFD एक VF पैटर्न सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको वेरिएबल टॉर्क पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ेगा या आप एप्लीकेशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये V/F पैटर्न कुछ नहीं बल्कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशियो का एक कर्व होता है जो एक पर्टिकुलर मोटर फॉलो करती है। V/F पैटर्न ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर मोटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिसाइड करता है कि टॉर्क कितना रहेगा। ये आप प्रीसेट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगली स्टेप आती है VFD साइजिंग और रेटिंग सिलेक्शन की। जब भी आप किसी एप्लीकेशन के लिए VFD का सिलेक्शन करें तो सबसे पहले आपको मोटर डाटा के अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो है टाइप ऑफ लोड क्या रहेगा, स्पीड रेंज और कंट्रोल मेथड क्या रहेगा, और पैनल इनक्लोजर का स्पेसिफिकेशन। यह हमारा टाइप ऑफ लोड वेरिएबल टॉर्क है, जैसे पंप्स, ब्लोअर्स, फैंस, तो जो जनरली वेरिएबल टॉर्क लोड के लिए VFD का जो ओवरलोड कैपेसिटी है 120% ऑफ FLC फॉर 1 मिनट होना चाहिए।
अगर लोड कॉन्स्टेंट टॉर्क टाइप है जैसे कन्वेयर्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, कंप्रेसर वगैरह है, तो वीएफडी का जो ओवरलोड कैपेसिटी है दैट शुड बी 150% ऑफ एफएलसी फॉर 1 मिनट होना चाहिए। वीएफडी की रेटिंग को ओवरलोड करंट कैपेसिटी से स्पेसिफाई करना ज़्यादा बेटर होता है देन स्पेसिफाइंग इन किलोवाट और केवीए। स्पीड रेंज, मोटर कभी भी रेटेड स्पीड से 20% से कम नहीं चलना चाहिए, इससे सफिशिएंट कूलिंग नहीं होगी। 20% कम से स्पीड चलाना है तो आपको ऑग्जिलरी मोटरिंग कूलिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। द सेम फॉर ओवर स्पीड सिलेक्शन, इसमें भी आपको देख लेना चाहिए कि मोटर वाकई डिजाइन है क्या ओवर स्पीड के लिए, अगर नहीं है तो नहीं चलाएं। स्पेशल एनक्लोजर नीड्स, अब पैनल इंस्टॉलेशन की एनवायरमेंट नीड्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्गर रन। पैनल का आईपी सर्टिफिकेशन और एनक्लोजर टाइप जैसे नेमा यूएल टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वर्टर ड्यूटी रेटेड मोटर्स। इन्वर्टर में यूज्ड जो आपका पीडब्ल्यूएम टेक्निक है उससे एग्जिट साइन वेव नहीं बनती कभी भी, बल्कि एक स्क्वायर डिजिटल पल्स आउटपुट होता है जो वाइंडिंग और बियरिंग पर एडिशनल स्ट्रेस डालता है। आजकल की मोटर्स में यूज्ड वायर्स हैं वो वोल्टेज सर्ज को तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर जो इन्वर्टर रेटेड मोटर में होना चाहिए वो है ग्राउंडिंग रिंग्स, आइसोलेटेड बियरिंग और स्पेशल कूलिंग अरेंजमेंट, जो एक पर्टिकुलर वीएफडी जहाँ कॉन्स्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है वहाँ जरूरी है इसको मेंशन करना। पावर सेवल की कैलकुलेशन के लिए आपको इनिशियल एक्चुअल पावर मेजरमेंट करना पड़ेगा जब वीएफडी इंस्टॉल नहीं था, मतलब फ्लो रेगुलेट करने के लिए डैम्पर्स और वाल्व लाइन में हो और उसके अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा हो, और फाइनल पावर मेजरमेंट डैम्पर्स और ड्रॉप वाल्व हटाने के बाद कितना आया। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल पावर सेविंग हो गया। इस सेविंग को आप टाइम से मल्टीप्लाई करके आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।